वर्ल्ड लार्जेस्ट मंदिर की जो टाइमिंग, आप यहाँ खुद आए सुन करके हमें बहुत सारी चीजें हम नहीं ले जा सकते। तो मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल टीम लूजर। कैसे हो दोस्तों, आशा है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं अक्षरधाम मंदिर को। जी हाँ दोस्तों, हम आए अक्षरधाम मंदिर और इससे जुड़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक जुड़े रहे, तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन एक बार दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, यदि वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो एंड में लाइक बटन जरूर दबाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यदि आप व्हीकल से आते हैं तो सामने ही कार पार्किंग की फैसिलिटी आप देख रहे हैं। यदि आप बाय बस आते हैं तो अक्षरधाम बस स्टॉप बना हुआ है। आप बाय मेट्रो भी आ सकते हैं। नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन आपको पड़ेगा अक्षरधाम मेट्रो स्टेशन, ब्लू लाइन पड़ता है। यहाँ से मेट्रो से उतरते आप सीधा जा सकते हैं। मंदिर की जो टाइमिंग वो सुबह 9:30 से 6:30 तक, और मंडे ये ऑफ होता है, मंडे बिल्कुल भी ना आए। अक्षरधाम मंदिर दिल्ली ही नहीं, इंडिया नहीं बल्कि वर्ल्ड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल है। इसका उद्घाटन APJ अब्दुल कलाम द्वारा हुआ था। ये बहुत विशाल और बहुत ही ज्यादा सुंदर मंदिर है। ये देखिए, स्कूल के बच्चे भी आए हैं पिकनिक की तरफ से। अब हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमें चेकिंग करा के अंदर जाते हैं। यहाँ पे आपके मोबाइल, कैमरा, बैग, सारी चीजें जमा हो जाएगा, क्योंकि अंदर कुछ भी नहीं ले जा सकते हम। हमें ये फॉर्म मिला है जिसमें मोबाइल, पावर बैंक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीजें हम नहीं ले जा सकते, बट ये जो चीजें है ये हम ले जा सकते हैं। और ये देखिए, पीछे फिल करना है अपना नेम, एड्रेस, डेट, मोबाइल नंबर, साइन, और फिर ये जमा करा देना है। और अंदर कुछ भी चीजें नहीं ले जा सकते। यहाँ पे बैग जमा किया जाता है। अभी हम मंदिर के अंदर से आए, दर्शन करके हमें बहुत ज्यादा आनंद आया। अंदर बहुत ही सुंदरता तरीके से इस मंदिर को बनाया गया है, तो आप भी आएं और दर्शन करें। अंदर आपको स्वामी नारायण की मूर्ति दिखेगी, साथ ही साथ राधा कृष्ण, राम और सीता, और शिव और पार्वती माता की मूर्ति आपको दिखेगी अंदर। मुझे बहुत खेद है कि मैं आपको मंदिर के अंदर का दृश्य नहीं दिखा पाया, बट आप यहाँ खुद आएं और मंदिर के दर्शन करें, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा, बहुत ज्यादा सुकून मिलेगा।